प्रसिद्ध अयोध्या नगरी है। जब दंगे हुए थे और देवबंद में बहुत बुरी हालत हुई थी, कर्फ्यू लगा हुआ था। तो क्या क्या है आज लंच में बताएंगे आप? बहुत सारा सामान है, बताता हूँ। दर्द तो उसको काफी है, बैंडेज डेली कर रहे हैं। और इसे देखो, मेरा दुपट्टा लेके और ऐसे टेंट बना के देखना है उसे। चलो कपड़े बदल दें आपके। कम ऑन। हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप सॉल एंड वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज है 22 जनवरी मंडे और आज श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है अयोध्या राम मंदिर में। आप सभी को प्राण प्रतिष्ठा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये व्लॉग जब तक जाएगा तब तक सबके यहाँ अच्छे से सेलिब्रेशन हो चुका होगा, तो मेरे साथ कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना कि आपने आज का ये पवित्र दिन किस तरीके से सेलिब्रेट किया। मैं सुबह ही उठ गई थी, सुबह उठ के मैंने मंदिर अच्छे से साफ किया, भगवान को स्नान कराया, उनकी जगह पे विराजित किया, अखंड ज्योत मैंने जला दी है, हलवा बनाया है प्रसाद में, उसका मैंने भोग लगाया और उसके बाद मैंने रामायण का पाठ किया है। हर साल वैसे तो रामनवमी वाले दिन ही मैं संपूर्ण रामायण करती हूँ, बट आज ऐसा दिन था कि मुझे ये करना ही था। हालांकि मेरी जो पूरी बुक है वो कंप्लीट नहीं हुई है क्योंकि सुबह इतना टाइम होता नहीं। वैसे भी रामनवमी को भी ऐसा नहीं कि मैं बैठती हूँ और पूरी बुक मैं एक बार में ही पढ़ लेती हूँ, जब भी टाइम मिलता है पूरे दिन में मैं इसको कवर कर ही लेती हूँ। अभी जो है वो दोपहर के 1 बज रहे हैं और ईवी का मैं लंच लेने के लिए आई थी, वर्किंग भी था ना आज और अद्वी का स्कूल भी था, तो सुबह की पूजा करके और फिर खाना वगैरह सब कुछ बना लिया था। छोटी छोटी बिट्स ही मैंने रिकॉर्ड करी, सब कुछ मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाई थी, तो सोचा कि चलिए एक छोटा सा इंट्रो रिकॉर्ड कर लेती हूँ और शाम तक जैसे होगा आपके साथ शेयर करूंगी। तो ऑफिस का काम डन हो गया है, ईवी को भी मैंने हाई चेयर पे बिठाया है तो उसको मैं लंच करा के फिर सुला देती हूँ। और इस दिन का कब से इंतजार था। छोटी ही थी, आई थिंक 92 की बात है जब दंगे हुए थे और देवबंद में बहुत बुरी हालत हुई थी, कर्फ्यू लगा हुआ था, तो तब से ही ये चीज़ें चलती आ रही थी और फाइनली ये दिन आया। और आई थिंक अपने ही आराध्य को उनकी जगह पे लाने का जो स्ट्रगल रहा है ना, वो अपने आप में ही एक बहुत, ये कह दूं कि अजीब सी बात है और बड़ी बात भी है, बट खैर अंत भला तो सब भला। बहुत कुछ हुआ है राम मंदिर के लिए, बट फाइनली राम जी जो है वो अपनी जगह पे हैं, सब लोग बहुत खुश हैं, एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग लाइक दिवाली टुडे। तो हमारा भी यही प्लान है कि हम भी दिवाली की तरह ही सेलिब्रेट करेंगे। तो सुबह अच्छे से पूजा पाठ हो गई है, डिनर में कुछ बनाते हैं स्पेशल सा, दिए वगैरह भी हमें जलाने हैं बाहर का, आई एम नॉट श्योर कि पॉसिबल होगा या नहीं क्योंकि यहाँ पे फिर से तूफान आया हुआ है, 56 माइल्स पर आर का तूफान है और बुरी हालत हो रही है बाहर एक्चुअली, तो दिए वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं जल पाएंगे। अगर एनी हाउ किसी तरीके से अगर रुक जाती है हवा तो शायद फिर हम बाहर भी दिए जलाएं, बाकी घर में तो हम अच्छे से रौनक लगाएंगे ही। तो चलिए अभी मैं ईवी को खाना खिला देती हूँ और
उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। बट आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना कि आप लोगों ने क्या क्या बनाया, किस तरीके से आपने आज का दिन सेलिब्रेट किया। और ठंड इतनी है यहाँ पे कि खाना खाने के लिए साहब ब्रेकफास्ट बार या डाइनिंग टेबल पे भी नहीं जा पा रहे हैं ना। खाना खाऊंगा तो कंबल में बैठ के खाऊंगा। और स्टाइल देख लो, अगर मेरे कुछ बड़ी है, अच्छा सॉरी छोटी वाली दीदी, और अगर मेरे कुशन पे गिर गया ना तो देख लियो फिर। स्पून मैंने उनको छोटे वाली दे दी। ओके ये लो जी, तो क्या क्या है आज लंच में बताएंगे आप? बहुत सारा सामान है, बताता हूँ। इधर छोले हैं, इधर मटर मशरूम है, इधर चाट है, पापड़ी चाट, ये चावल है। हाँ जी, और बाकी अभी हाँ रोटी और मैं लाने जा रही हूँ। तो मेन अट्रैक्शन तो ये है भाई, मैं तो यही खाने वाली हूँ। देखो जी, न्यूज के साथ, यस, आज तो बस राम मंदिर ही छाया हुआ है ना। सो लंच इज डन। एक्चुअली काफी देर पहले ही हो गया था। किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर दी है, साफ सुथरी कर दी है शाम के भोग के लिए। भोग में क्या बनाने वाले हैं अभी तक भी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। अद्वी स्कूल से आएगी, उसके बाद ही फाइनल होगा। और साहब अभी गए हैं अद्वी को लेने के लिए स्कूल। वैसे तो मैं ही जाती हूँ उसको लेने, बट क्योंकि अब उसके पैर में फ्रैक्चर हो रहा है तो गाड़ी से ही आना जाना होता है। तो स्कूल उसने एक दिन का भी मिस नहीं किया है। इतना ज़्यादा वो पेन बेयर करती है ना, और स्कूल में जैसे प्लेग्राउंड वगैरह में भी नहीं जा सकती, वो क्लासरूम में बैठी रहती है। तो कुछ दिन तो उसने वहाँ पे बुक पढ़ी, अब पिछले 2-3 दिन से जो है वो अपनी सेट्स की बुक्स लेकर जा रही है और वहाँ पे बैठ के अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेती है। तो यू नो कई बार ना यकीन नहीं होता कि इतनी जल्दी से इतनी बड़ी हो गई वो, इतनी मैच्योर हो गई वो, इतना समझने लगी वो। अभी 11 साल की ही होगी वो, बट ईवी के आने के बाद एकदम से ही बड़ी हो गई। एक तो हाइट भी उसकी बढ़ी ना, तो वो देख के भी बड़ी बड़ी सी लगती है, और फिर मैच्योरिटी कुछ ज़्यादा ही आ गई मेरी शोना में। तो खैर चलिए, दर्द तो उसको काफ़ी है, बैंडेज डेली कर रहे हैं। और अभी तो ये चले गए, उसके बर्थडे के लिए हम लोग कुछ बुक कर रहे थे, बट अब वो भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एक्टिवली किसी भी चीज़ में पार्ट ले नहीं सकती है। तो देखो अभी एटलीस्ट एक महीना तो मान के ही चलो कि उसका पैर अभी तो ठीक होने वाला, मतलब ठीक होता रहेगा, बट एक महीना तो लग ही जाएगा। और ना हमारे चैनल को 6 ईयर्स कंप्लीट हुए हैं 18th of January को, बट वही है कि अद्वी की तबीयत सही नहीं थी तो किसी भी चीज़ का मन नहीं किया। फिर तो मैं कम्युनिटी पे भी पोस्ट नहीं डाल पाई उस दिन, तो हमने कुछ भी सेलिब्रेट नहीं किया। फिर यही सोचा कि चलो जिस दिन राम जी आएंगे उस दिन तो करेंगे ही कुछ ना कुछ, तो लगे हाथ एक साथ दोनों ओकेजन सेलिब्रेट हो जाएंगे, हमारे चैनल का बर्थडे या एनिवर्सरी जो भी आप कहें वो भी हो जाएगा, और साथ ही जो है वो दिवाली भी मन जाएगी, तो सब कुछ साथ साथ ही हो जाएगा। बट यस 6 साल हो गए हैं यार, यकीन नहीं होता, ऐसा लगता है अभी तो शुरू किया था, बट 6 ईयर्स, तो चैनल के 6 साल कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं न्यूज़ ही देख रही थी एक्चुअली, बट ईवी सोई हुई है, अद्वी आ जाए स्कूल से उसको लंच दे के, और आधा पौना घंटा मैं भी आंखें बंद करूंगी। लाइक जब तक ईवी सोई रहेगी तब तक मैं भी आराम ही करूंगी। वैसे भरोसा कुछ नहीं है, वो भी 10 मिनट में भी उठ सकती है, बट लेट्स सी, जब तक वो नहीं उठ रही है तब तक मैं आराम करती हूँ। क्योंकि आज मैं सुबह 4:30 बजे उठ गई थी, उठ के फिर सारी तैयारी करना, सब कुछ करना, तो वही था कि फिर 6 बजे से वर्क भी मुझे अपना शुरू करना था, तो उससे पहले लंच ब्रेकफास्ट सारी चीज़ें डन करनी थी, और आज मंदिर का भी काम काफ़ी सारा था। तो अभी जो है ना वो हल्की थकान सी महसूस हो रही है, तो जब तक ये भी सो रही है आई टेक रेस्ट, और आपसे मिलती हूँ शाम की चाय के साथ। आउच। और मम्मा कह रही थी सबसे कि मम्मा जो है वो थोड़ी देर रेस्ट करेगी, पर मम्मा कैसे रेस्ट कर सकती है, ऐसे जाता है एरोप्लेन। और ईवी ने सुन लिया और ईवी तभी उठ गई है ना, सिस्टर तो स्कूल से आ भी नहीं पाई, ईवी सिंह पहले उठ गई है ना। ये मेरा पार्सल अभी आया है, और मैंने सोचा कि चलो आज शाम की चाय इसी में बनाते हैं। तो पैकेजिंग से आपको पता लग ही रहा होगा कि ये ग्लास टी पॉट है,
पहले सोच रही थी कि चलो कल ओपन करती हूँ, बट वही है कि रेजिस्ट नहीं कर पाई। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से सोच रही थी इस तरह का ग्लास टी पॉट लेने का, बट मुझे बस यही डर लगता था कि कहीं फ्लेम पे टूट ना जाए, कहीं मेरे हाथ से ना छूट जाए। बट इसके मैंने सारे रिव्यूज़ वगैरह पढ़े ना, तो बहुत अच्छे रिव्यू थे। और अमेजोन से मैंने लिया है, इसका मैं लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन चेक इट आउट। और आज की चाय इसमें बनेगी तो पता भी लग जाएगा कि ये कैसा है, और बाकी आने वाली वीडियो में तो आप मुझे देखेंगे ही। तो इसके फीचर्स मैं बता देती हूँ आपको। तो ये जो इसके अंदर ना आप टी बैग या टी लीव्स कुछ भी डाल सकते हैं, और अदरक वगैरह की अगर चाय बनानी हो तो वो भी अंदर डाल सकते हैं। रिमूवेबल है ये, और यहाँ पे हाई हीट रेजिस्टेंस टेम्परेचर भी इसका मेंशन था। और जो इसका ये स्पाउट है ना, ये नॉन ड्रिपिंग वाला है, और 1200 ml इसकी कैपेसिटी है। और यहाँ पे इसके सारे यूज लिखे हुए हैं कि पहले वॉश करना है, उसके बाद इसमें टी डाल के जो है वो अच्छे से इन्फ्यूज़ करना है, और फिर टी जो है वो आपको इन्जॉय करनी है। तो अगर ग्रीन टी वगैरह भी आप पीते हैं ना, हर्बल टी, तो उसके लिए भी ये बहुत अच्छी है। मैं वैसे मिल्क वाली बनाने वाली हूँ, तो देखते हैं कि कैसी निकलती है। और पैकेजिंग मुझे अच्छी लग रही है, इसके ऊपर भी एक कार्डबोर्ड बॉक्स था, तो बहुत सिक्योर पैकेजिंग के साथ ही आती है। और ये आई थिंक इसका क्लीनिंग ब्रश है, हाँ जी ये इसका क्लीनिंग ब्रश है। और इस तरह, अच्छा ये हो गया इसका, जिसके अंदर आप जो है ना टी बैग्स वगैरह वो ऐड करेंगे, और ये आई थिंक ये फिक्स हो जाता है। और एक ये वाली लिड है इसके ऊपर, और एक लिड और है, हाँ ये एक स्टील वाली लिड भी है इसके ऊपर। तो आप ये, सॉरी ये वाला लगाना है पहले, और उसके ऊपर फिर ये वाली भी फिक्स हो जाती है। तो एक मिनट में इसको निकाल लेती हूँ। हाँ ठीक लग रहा है, यस। तो इस तरह से है ये, बहुत ही स्लीक सा प्रीटी सा इसका डिज़ाइन है, लाइक डिट। और ये इसके ऊपर ऐसे फिक्स हो जाती है, ये बने हुए हैं ना ये, तो ये एकदम से इसको ऐसे फिक्स हो जाते हैं। बाकी ये जो है इसको आप इस तरह से भी उठा सकते हैं, अगर नॉर्मली आपको बनानी है तो ये हो गई इस तरह से, अगर एज ए जग भी आपको इसको यूज़ करना है तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और ये एक वुडन वाला भी हो गया इसके ऊपर, और बाकी आप ये वाला, ये निकालने में दिक्कत होगी तो आई थिंक ये नहीं यूज़ होगा। और ये इस तरह से इन्फ्यूज़ करके, और ये आप इसके ऊपर लगा दें। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, इसको अच्छे से वॉश करती हूँ, और उसके बाद फिर हम इसमें चाय बनाते हैं। और मैं कह रही थी ना कि ये लिड है, इट्स नॉट लिड एक्चुअली, इट इज़ स्पून होल्डर। या फिर आप टी बैग अगर डाल रहे हैं तो उसको निकालने के बाद ना स्क्वीज करके रखने के लिए है ये, तो यू कैन यूज इट लाइक दैट। फाइनली इट इज सक्सेसफुल। मुझे डर ही लग रहा था, मैं बिल्कुल ना यही खड़ी हुई थी, बच्चों को इधर नहीं आने दिया कि कहीं ये टूट ना जाए, बट बहुत अच्छे से ये रही है। और दूध के साथ मुझे प्रॉब्लम थी कि कहीं दूध के साथ ना ये पटक जाए, बट जो लोग यूज़ करते हैं उनको पता ही होगा, मैं पहली बार कर रही थी इसलिए मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, बट इट इज़ वर्किंग परफेक्ट। और मैंने तो जैसे ये स्ट्रेनर अंदर वाला यूज़ कर लिया, तो फिर ना बाद में आपको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाय को बस ऐसे ही छान लो, क्योंकि जो कुछ भी आप टी लीफ डालते हो, अदरक वगैरह जो भी डाला है वो अंदर ही रह जाता है। बट अगर ये स्ट्रेनर इसके अंदर वाला आप यूज़ भी ना करें ना, डायरेक्ट बस पॉट के अंदर डाल के और बना ले, और फिर अपनी छलनी का ही इस्तेमाल कर ले देसी तरीके से, तो वो भी बढ़िया है।
तो यस सक्सेसफुल, आई एम सो हैप्पी, इट लुक्स सो एस्थेटिक एक्चुअली. लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप चेकआउट कर लेना इन केस यू आर इंटरेस्टेड. और मेरी तरफ से 10 out of 10. How's your leg? I see. So decide हुआ है कि हम आलू पूरी बनाएंगे. और वैसे भी यूपी वालों को जब भी मौका मिले ना, तो आलू पूरी से बेस्ट कुछ होता ही नहीं है. एक्चुअली मेरा वीक का जो मील प्लान है ना, मेन्यू, वो वीकेंड पे ही डिसाइड हो जाता है. लेकिन इस बार दोनों ही दिन बिजी थे. अद्वी का भी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट था, तो इस वजह से ना थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर हुई हैं. इवन दो ग्रोसरी भी नहीं हो पाई है. साहब अभी गए हैं कुछ कुछ मेन सामान लाने के लिए, क्योंकि ना तो कुछ प्लान हुआ है और ना ही ग्रोसरी की लिस्ट बनी थी. तो जो हफ्ते में, लास्ट वीक में जो सामान खत्म होता जा रहा था, वो तो मैं फ्रिज पे हमेशा मेंशन करती रहती हूँ, लिस्ट मैंने लगाई हुई है. बट प्रॉपर मेन्यू के हिसाब से कुछ नहीं. तो जो जैसे दूध वगैरह खत्म हो रहा था ना, तो वो ले आएंगे, एक दो सब्जी ले आएंगे. तो इस बार जो मेरा मेन्यू डिसाइड होगा हफ्ते का, वो जो सामान आ जाएगा उसके हिसाब से होगा. तो काइंड ऑफ रिवर्स मील प्लानिंग होगी. तो हाँ जी, फाइनली आई एम मेकिंग आलू पूरी, आलू की वो खट्टी वाली सब्जी और तीखी वाली. दो हरी मिर्चें मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और ये अदरक डाल के ना ये मैं प्योरे बना लूंगी. और यहाँ पे मैंने आलू बॉईल करके रख लिए थे, तो इनकी मैं सब्जी बनाऊंगी. मैंने पहले भी बहुत बार ये वाली रेसिपी शेयर करी है, बट वही है कि आज व्लॉग मैंने शुरू कर ही लिया था, तो सोचा कि जो भी बना रही हूँ वो आपके साथ शेयर करती हूँ. और बच्चों ने ना उधर पूरी धमाचौकड़ी मचाई हुई है. ईवी ने ना आज सूट पहना, उसने फिर चेयर गिराई. अद्वी ने चेयर लगाई थी डाइनिंग टेबल पे, तो वो क्या करती है कि चेयर से चढ़ के टेबल पे जाती है और पैरों से फिर बाकी चेयर्स गिरा देती है, और फिर टेबल पे खड़ी होकर रोती है कि अब उतरूं कैसे. तो भगवान जाने. तो चलिए, अब इसकी आवाज होगी, मैं फटाफट तड़के की तैयारी करती हूँ. तो चलिए, बहुत ही क्विक सी बनने वाली फुड़वा आलू की सब्जी तैयार करते हैं. इसके लिए कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसमें बेसिक मसाले, जीरा, धनिया, हल्दी, रेड चिली पाउडर ऐड किया है. थोड़ा सा सौते करके इसमें टमाटो प्योरे ऐड कर देंगे, उसके अंदर जिंजर और हरी मिर्च भी थी. साथ ही यहाँ पे मैंने नमक, गरम मसाला और कसूरी मेथी भी ऐड कर दिए हैं. हर चीज आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं. मसाले को अच्छे से यहाँ पे भूनेंगे जब तक कि उसका ऑयल सेपरेट ना हो जाए. इसके बाद हम इसमें उबले हुए आलू ऐड करेंगे, जिनको हमने हाथों से ही तोड़ा है, चाकू से ना काटें. और हिसाब से बस इसमें पानी डाल देंगे, कितनी आपको इसके अंदर ग्रेवी रखनी है. वैसे ये काफी थिक ही बनाए जाते हैं. और बस अब इसको अच्छे से हमें उबालना है, और थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि एकदम से ये थिक सी हो गई है. और बस यहाँ पे हमारी पूरियों के साथ, कचौड़ी के साथ खाने वाली फुड़वा आलू की सब्जी हो जाती है तैयार. साथ ही यहाँ पे मीठे की मैं तैयारी कर रही हूँ, तो छेना के लड्डू बनाने वाली हूँ. तो यहाँ पे लगभग मैंने आधा कप के करीब पनीर लिया है, ब्लॉक ही था तो आधा ब्लॉक लिया है. थोड़ा सा उसमें मैंने इलायची पाउडर डाला है, और 1/4 कप के करीब मैंने इसमें मिल्क पाउडर ऐड करा है. इसके बाद 1 tablespoon के करीब मैंने इसमें डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करा है. मिल्क पाउडर अगर आपके पास ना हो तो आप उसके प्लेस पे खोया भी ले सकते हैं. मैं बिल्कुल इंस्टेंट वाले बना रही हूँ, और इट इज काइंड ऑफ नो कुक रेसिपी. चीजों को थोड़ा सा यहाँ पे क्रम्बल कर लेंगे. आप यहाँ पे फ्रेश पनीर भी यूज कर सकते हैं, उसको बस सेट ना करें, और जो आपने फ्रेश छेना बनाया हो उसको आप यूज करें. बस ये है कि वो रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, गर्म ना हो, क्योंकि जब आप शुगर उसमें ऐड करेंगे और अगर वो गर्म हुआ तो शुगर मेल्ट हो जाएगी, तो फिर ये प्रॉपरली बंधेगा नहीं. अब यहाँ पे मैं इसमें शुगर ऐड कर रही हूँ, 1/4 कप से 1 tablespoon कम ही होगी. अपने हिसाब से आप मीठा कम ज्यादा कर सकते हैं. और बस सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स करके इसका हमें एक डो की तरह बॉल तैयार कर लेनी है.
जिस तरह से वाइट रसगुल्ले या फिर रसमलाई का डो तैयार किया जाता है, बिल्कुल उसी तरीके से मसल मसल के आपको रेडी करना है ये। आप चाहें तो इसकी बर्फी भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको लड्डू की फॉर्म में बना रही हूँ और इसमें ना कुछ कुछ कलाकंद वाला भी टेस्ट आता है। तो बहुत ही इजी सी रेसिपी है, आप किसी भी ओकेजन पे इसको ट्राई कर सकते हैं, या फिर एकदम से कभी घर में मेहमान आ जाएं और कुछ मीठा आपको एकदम से चाय नाश्ता चाहिए हो तो तब भी आप ये फटाफट बना के सर्व कर सकते हैं और सबको ये बहुत पसंद आएगा। आप इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से गार्निश भी कर सकते हैं, अगर फूड कलर आप यूज करना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं, उसकी डॉट्स लगा सकते हैं, तो जैसे चाहें आप इसको गार्निश करें। मैं इसको बिल्कुल प्लेन रख रही हूँ। तो बॉल्स मैंने इसकी बना ली थी, फिर इसको स्मूथ सरफेस देने के लिए हाथों पे मैंने थोड़ा सा घी लगाया है और उससे मैं इनको दोबारा से रोल कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि ये बिल्कुल चिकने से हो जाएंगे, और अगर आपके पास टाइम हो तो थोड़ी देर के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें, ये बिल्कुल परफेक्टली सेट हो जाएंगे। तो मैंने तो बस अभी ताजे ताजे बना के और राम जी को इनका भोग लगा दिया था और सबको यही प्रसाद दिया था, और सच में सबको ये बहुत पसंद आए। छोटी सी ईवी को भी ये बहुत पसंद आए। और ये शाम की पूजा का थोड़ा सा दृश्य है, जोत जल रही है, साथ ही यहाँ पे 5 कैंडल्स भी हमने जला दी हैं, साथ ही घर में भी हर कमरे में हमने कैंडल रख दी थी। बाहर का मौसम था नहीं कैंडल्स वगैरह रखने का, पर हाँ लाइट्स अभी भी लगी हुई हैं तो वो हमने जला दी थी। और बहुत ही खुशी का दिन ये सभी के लिए। इसके बाद बस यहाँ पे अब फाइनल खाने की तैयारी। तो पूरियां हम उतार रहे हैं, पूरी मैंने प्लेन ही बनाई थी, बस अजवाइन और थोड़ा सा नमक डाला था, और आटे में मैं कभी ऑयल वगैरह ऐड करती नहीं हूँ, ऐसे भी पूरियां बहुत अच्छी बन जाती हैं। और पूरियां बनाना मोस्ट ऑफ द टाइम टीम वर्क, तो मैं बेलती जा रही हूँ और साहब जो है वो फ्राई कर रहे हैं। तो सब्जी हमारी रेडी है, साथ ही मैंने बूंदी का रायता भी बना लिया था, बूंदी भी वो दी थी। तो ये काइंड ऑफ एक यूपी का बहुत ही फेमस फूड है, आलू पूरी और बूंदी का रायता। और हलवा सुबह बना लिया था तो इसलिए अब नहीं बनाया, अदरवाइज हलवा होता है इसके साथ और ये एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन होता है, और मोस्टली नाश्ते के टाइम पे जब मेहमान आते हैं तो उनको नाश्ते में ये खिलाया जाता है। तो किस किस के यहाँ आलू पूरी बहुत शौक से खाई जाती है, मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। और फूली फूली पूरियां यहाँ पे साहब ने बनाई, और एक एक पूरी जो थी वो बहुत अच्छे से फूल रही थी और इतनी कुरकुरी ये बनी ना कि बस क्या ही बताएं। और ये है हमारी आज की भोग की थाली। तो सबसे पहला परोस के राम जी को भोग लगाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग भी खाना खा लेंगे। क्या पढ़ रहे? रैंडम कोऑर्डिनेट्स। आई वाज बोर्ड सो आई नो। ये क्या देख रही है? और इसका आउटफिट दिखाइए एक बार। आउटफिट इसका। हे ईवी, म्याऊ म्याऊ, लुक भाई, चलो ईवी यहाँ पे खड़ी जाएगी। देखो भाई ईवी यहाँ पे खड़ा हो जाएगा भाई। हाय, खड़े हो जाओ। जंप जंप जंप, खड़े हो जंप जंप। शो मी योर आउटफिट। शो मम्मा, शो मम्मा। हियर हियर हियर। हाँ, और ये इनू दीदी ने भी पहना है। हाँ, पता ही किसका है? पता ही किसका है? आदि का। हाँ, ये वो आदि का जो तुमने भी पहनना है। और यहाँ पे हमारी ईवी रानी आइसक्रीम एंजॉय कर रही है। आजकल उसकी लाइफ में जो दो फेवरेट वर्ड हैं वो है आइसक्रीम और स्विमिंग पूल। कुछ भी बात करती है घूम फिर के स्विमिंग पूल या आइसक्रीम पे ही आके रुकती है। तो अद्वी तो सोने चली गई थी और ईवी को आइसक्रीम का बड़ा शौक है, तो मैं ये खाली कोन ला के रखती हूँ और साथ ही लेस शुगर वाली फ्रूट्स डाल आइसक्रीम भी बना देती हूँ। तो बस अभी थोड़ी सी आइसक्रीम उसको दी थी क्योंकि उसमें बहुत जिद की हुई थी। तो बस ऐसा बीता हमारा आज का दिन। आई होप आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय। जय श्री राम।